दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 10 नवंबर 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में। जहां पर एक तरफ साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेकेंड सेमीफाइनल और फाइनल महामुकाबले की रिगार्डिंग हमें BCCI की तरफ से बड़े अपडेट ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिली है। वही दूसरी तरफ IPL 2023 की नीलामी तारीख को कल BCCI ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर जहां पर इस शानदार टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचेस की फाइनली शुरुआत हो गई है। जहां पर कल फर्स्ट सेमीफाइनल महामुकाबला हमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच देखने को मिला था और वहां पर भाई पाकिस्तान की टीम ने रोमांचक अंदाज से न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करके ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल महामुकाबले में प्रवेश कर लिया है। और अब सेकेंड सेमीफाइनल महामुकाबला हमें आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से भारत और इंग्लैंड के बीच एडिलेड के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के रिगार्डिंग BCCI की तरफ से हमें 2-3 बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिली है। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स को लेकर। फाइनली जस्ट अभी कुछ देर पहले ही यहां पर मौसम विभाग ने एडिलेड की लेटेस्ट वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स को रिवील कर दिया है। जहां पर भाई अभी से 3-4 दिन पहले जब हमने वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स को देखा था तो वहां पर ऑन द मैच टाइम यहां पर 30-40% रेन के चांसेस बताए जा रहे थे। लेकिन लेटेस्ट वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं। जहां पर अभी बारिश के फिलहाल किसी भी टाइप के कोई भी चांसेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। बारिश यहां पर बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली है और किसी भी टाइप का कोई भी इंटरप्शन हमें इस महामुकाबले के दौरान देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है इस सेमीफाइनल महामुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 को लेकर। जहां पर भाई सबसे पहले हमें अपडेट्स देखने को मिले थे इस महामुकाबले में हमें भारत की प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फर्स्ट चेंज हमें यहां पर बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकता है जहां पर युजवेंद्र चहल को भारत की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। आपके अक्षर पटेल या फिर रविचंद्रन अश्विन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को भारत की प्लेइंग 11 से रेस्ट पर रखा जा सकता है। वही दूसरा बदलाव हमें विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में देखने को मिलने वाला था जहां पर ऋषभ पंत को एक बार फिर से भारत की प्लेइंग 11 से बाहर निकालकर दिनेश कार्तिक की यहां पर प्लेइंग 11 में एंट्री होने वाली थी। लेकिन दोस्तों कल यहां पर भारत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर टीम इंडिया के काफी सारे खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कंक्लूजन हमें देखने को मिला उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि कोई खास बदलाव हमें यहां पर इस महामुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले के लिए हमारी जो पर्सनल फेवरेट प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उस प्लेइंग 11 को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं। जहां पर मेरे मुताबिक तो कुछ ऐसी होने वाली इस महामुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11, लेकिन आपके मुताबिक कैसी होगी प्लेइंग 11 आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा IPL 2023 को लेकर। जी हां बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। कल फाइनल यहां पर BCCI की एक अर्जेंट मीटिंग हुई थी जिस मीटिंग के बाद BCCI ने IPL 2023 की नीलामी की A to Z हर इंफॉर्मेशन को रिवील कर दिया। जहां पर दोस्तों हम सभी लोगों के पास पहले अपडेट कुछ ऐसा था कि 16 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से हमें बेंगलुरु में IPL 2023 की नीलामी देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों कल यहां पर BCCI ने उस खबर को बिल्कुल पूरी तरह से फेक प्रूव कर दिया है। BCCI ने नई तारीखों का यहां पर ऐलान कर दिया जहां पर 23 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से हमें IPL 2023 की ऑक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वेन्यू को लेकर यहां पर अभी भी बहुत ही बड़ा सस्पेंस जारी है। जहां पर दो वेन्यूज को लेकर डिस्कशन चल रहा है, एक बेंगलुरु आपका, दूसरा यहां पर कोची है। हालांकि बेंगलुरु के यहां पर ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों
बीसीसीआई के जो सोर्सेज हुए यहाँ पर ऐसा क्लेम करे कि हमें कोची में आईपीएल 2023 की नीलामी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग है और यह खबर निकल कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लेकर। जी हाँ, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर भाई हमने कल आपको बताया था कि भाई 4-5 बड़े खिलाड़ियों को आईपीएल की नीलामी से पहले यह टीम सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने स्क्वाड से रिलीज करने वाली है। विलियमसन के ऊपर हमें अपडेट देखने को मिला था कि भाई विलियमसन के साथ यह टीम बनी रहेगी, लेकिन दोस्तों कल देर रात को एक और बड़ा अपडेट हमें यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की मैनेजमेंट की तरफ से देखने को मिला, जहां पर पिछले कुछ टाइम से आपकी केन विलियमसन की जो फॉर्म है उसे सनराइजर्स हैदराबाद की जो मैनेजमेंट है बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते अब यहां पर हैदराबाद की मैनेजमेंट ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। जी आपको पता है कि भाई 11 करोड़ रुपए का हैवी अमाउंट देकर पिछले साल उनको अपनी टीम में रिटेन किया था, लेकिन दोस्तों अब उनको यहां पर अपने स्क्वाड से रिलीज करके अपने पर्स बैलेंस को बढ़ाने के ऊपर फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद की फ्रेंचाइजी अपने प्लान्स कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, वेन्यू को लेकर लगातार हमें अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। जी हां, जब से आपको पता है कि भाई बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहां पर ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान में हमें एशिया कप 2023 देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहां पर काफी ज्यादा हलचल हमें पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखने को मिली है। खैर दोस्तों, यहां पर एशिया कप 2023 की होस्टिंग के रिगार्डिंग कल एक एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के बाद भाई दो वेन्यूज के ऊपर डिस्कशन किया गया, दोनों वेन्यूज आपके यूएई और श्रीलंका है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर कुछ तो मतलब एक ग्रुप तो ऐसा बोल रहा है कि हम दोनों कंट्रीज में आधे आधे मैचों को सेट कर लेते, लेकिन दोस्तों जो एक जो मेन गुट है वो जो मेन ग्रुप है वो ऐसा बोल रहा है कि यूएई में हमें एशिया कप 2020 देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहां पर कुछ ऐसा बड़ा अपडेट हमें खुद एसीसी की तरफ से देखने को मिला, जहां पर 90% ऐसा कंफर्म हो चुका है कि यूएई में हमें एशिया कप 2023 देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल महामुकाबले को लेकर, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान की टीम फाइनल महामुकाबले पहुंच चुकी है, दूसरी तरफ सेकंड टीम के लिए आज महामुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। और अगर यहां से भारत की टीम जीत जाती है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न के स्टेडियम में हमें टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल महामुकाबला देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर हमें यहां पर अलग अलग रिएक्शन क्रिकेट के लेजेंड्स की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। यहां पर सबसे पहले शोएब अख्तर ने ऐसा बोला कि हम यहां पर इस महामुकाबले में पूरी तरह से टोटली भारत को सपोर्ट करेंगे, ताकि हमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक थ्रिलर महामुकाबला देखने को मिले। वही दूसरी तरफ आप सभी को बताना चाहूंगा कि विराट कोहली ने भी इस महामुकाबले के रिगार्डिंग काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई जिस तरह की फिलहाल खिलाड़ी की फॉर्म उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी उठाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से प्रबल दावेदार नजर आ रही है। तो दोस्तों ये है 10 नवंबर 2022 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों का आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की सुडो मस्त इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।